गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सॉरी, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली कुछ शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और शेड्यूल सेट भी नहीं हो पा रहा था। सुबह थोड़ा लेट उठ रहा था क्योंकि रात को लेट तक सो रहा था। तो अभी वापस से रूटीन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोचा कि वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो उसकी ही वजह से रूटीन पे वापस से सेट हो पाएगा। इसलिए आज से फिर से रेगुलर व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का शायद अपना कंप्यूटर लेने के लिए जाएंगे एडिटिंग वगैरह के लिए, क्योंकि फ़ोन से एडिटिंग कर रहा हूँ तो वीडियो 4K में होती हैं तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, तो वीडियो एडिट करने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। तो आज उसके लिए कंप्यूटर लेने के लिए जाना, या तो आज जाऊँगा या फिर कल जाऊँगा। और आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि अपने भाई का बर्थडे है, अंशु का आज बर्थडे है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। शाम को जाना है, बहुत एक्साइटमेंट है अंशु के बर्थडे की आज, सीरियसली। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए, थोड़े दो चार काम है ऑफिस के, उसको निपटाऊंगा, फिर शाम को वापस से घर आके चेंज करके अंशु के लिए केक लेके फिर अंशु के पास चलेंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा ही बर्थडे, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है बर्थडे सेलिब्रेट करने की। तो दिखाता हूँ शाम को आपको। तो भाई अभी गया था कंप्यूटर का पता करने, अभी अपना कंप्यूटर रेडी नहीं हुआ है तो वो कल सुबह मिलेगा, तो सोचा कि आज कंप्यूटर के लिए अपनी टेबल ले लेते हैं। तो कंप्यूटर टेबल ले ली है, फटाफट से लेके चलते हैं इसको अब घर पे। बीच में कुछ खा लूँगा, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो जो ऑफिस के काम थे सारे निपटा दिए, अभी बस घर पे जाके एक क्विक सेशन वर्कआउट का निपटा के फिर अंशु के लिए केक वगैरह लेके निकल जाऊँगा उसके बर्थडे के लिए। एक दोस्त आगरा से भी आ रहा है, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अंशु का बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा सा डिले कर लिया है, क्योंकि वो इतनी दूर से आ रहा है तो उसका भी होना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पर। ये अपनी हो गई टेबल सेट, ऊपर अच्छे का टीवी लगा हुआ है, लेकिन ये टीवी यहाँ से हटा के बाहर लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर कंप्यूटर वगैरह हो जाएगा तो थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी अच्छे से। टेबल तो आ गई है, अब कंप्यूटर का वेट है जो कि कल आ जाएगा। तो भाई वर्कआउट खत्म करके जस्ट अभी घर पे आया हूँ, फटाफट से चेंज करके चलता हूँ, केक लेते हैं रास्ते में से। बंदा नाराज है पूरा क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, और देर नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं। तो भाई भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि मैं लेट आया, बट अभी सब सही है, मस्त इन्जॉय करा भाई, सॉरी लेट आने के लिए। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, अभी थोड़े से बातचीत करेंगे उसके बाद में घर जाएंगे, लेट हो चुका है काफ़ी। तो ये व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा कल भाई 12 12 ही तो बजे हैं अभी भाई, अभी तो रात पूरी बची है। तेरा भाई भाई का बर्थडे है आज, तो बर्थडे तो ढंग से सेलिब्रेट होना बनता ही है। फरीदाबाद में कुछ ही सिलेक्टेड प्लेस है जहाँ पे आप रात भर 12-1-2 बजे तक रह सकते हैं, मस्त है, एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो। देखो भाई मेरा मानना तो यह है, दोस्त है तो कोई प्लेस की जरूरत नहीं है। हम देखो यहाँ ऐसे पार्किंग टाइप में खड़े हैं लेकिन मस्त बातचीत कर रहे हैं। उस साइड का तो व्यू दिखा ना, उस साइड तो अभी देखो, उस साइड ना बिल्कुल अभी उजाला है, देखो उस साइड ना सारा चीज मतलब ओपन है सारी चीज है ना, तो चलता रहेगा। हम दोनों भाई यहाँ है, एक हमारा दोस्त वहाँ कहीं घूम रहा है, अपनी होने वाली बीवी से बातचीत कर रहा है। ये जो घूमता हुआ भूत की तरह दिख रहा है, ये जो भूत की तरह घूमता हुआ दिख रहा है देखो, लेट मी ज़ूम इट, ये लौंडा ये अपनी होने वाली बीवी से बातचीत कर रहा है। और भाई हम ठहरे शादी से, वो शादी से पहले के साइड इफेक्ट है, हमारी शादी के बाद के, शादी उसकी हो जाएगी तो वो भी हमारे साथ ही खड़ा होगा, वो कहेगा बीवी से अपनी बाय, तो भाई भाभी भी देखती है, अरे तो क्या हो गया, भाभी को ही पता है। तो भाई साहब आज के इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। तो भाई यो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुड नाइट, जय हिंद, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू।